हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बी एच यू पाठशाला। दिस इज़ नेहा हेयर। एंड यू नो, आपका बी एच यू बी आर्ट्स एंड सोशल साइंस का एंट्रेंस एग्जाम हो गया है। हमने आपको हिंदी का आंसर की प्रोवाइड किया एंड इसमें हम आपको मैथ्स एंड रीजनिंग सेक्शन का आंसर की प्रोवाइड कर रहे हैं। आई नो काफ़ी लेट हो गया है, बट येस, आपको पता है अगर कोई चीज़ें आपको एक्यूरेट एंड 100% सही बताई जाएंगी तो थोड़ा लेट हो सकता है। यहाँ पर आपका एक भी आंसर गलत नहीं है, सभी आंसर्स आपके सही हैं। सो आप इससे मैच कर सकते हो और आपकी ऑफिशियल की जब भी आती है ऑफिशियल आंसर की, वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वेल, यहाँ पर आप देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 41, इसका आंसर आपका होगा ओके। अगर सेट आपका डिफरेंट डिफरेंट है, ये है सेट हमारा डी ओके, तो आप ऐसे मैच कर लो। अगर आपका सेट दूसरा है तो आप क्वेश्चन देख करके मैच कर लो। आपका क्वेश्चन नंबर 41 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका आपका करेक्ट ऑप्शन है 41 का 4, राइट। यहाँ पर 10 आपका आंसर सही होगा। नाउ आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आई मीन 42, द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर एंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज 4:20 इज, समय आपका 4 बजे होने पर घड़ी की मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का कोण। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका होगा सेकंड, 10 डिग्री, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, देखिए आपको अगर एनालिसिस वीडियो चाहिए, आई मीन कंप्लीट विथ एक्सप्लेनेशन, देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, आपको ऑन बोर्ड विथ एक्सप्लेनेशन वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। नाउ हियर क्वेश्चन नंबर 43, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स ओके। तो देखिए इसका जो आपका आंसर होगा, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, 43 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राइट। ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू ओके। एसर्शन एंड रीज़न होता है ये, इसमें आपका एसर्शन दिया हुआ है और फिर आपका एक रीज़न दिया होता है और आपसे पूछता है कि क्या ये दोनों सही है या फिर क्या ये दोनों गलत है या फिर इसमें से कोई एक सही है या फिर ये ऊपर वाला सही है एसर्शन और ये जो रीज़न दिया गया है वो उसको सही प्रूफ कर रहा है, इस टाइप के ये क्वेश्चन होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर आपका है 44, देखिए 44 में जो आपका है ये आपका बहुत ही मतलब ईजी हम कह रहे हैं, जस्ट आपको भी बहुत ईजी लगा होगा। 44 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 45 है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर सो जस्ट, ये भी क्वेश्चन आपका रीजनिंग सेक्शन से पूछा गया है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 45 का आपका ऑप्शन नंबर 4 इज़ राइट हेयर, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 46 है, ये भी आपका मैथ्स, इसको आपने सॉल्व किया होगा, काफ़ी ईजी क्वेश्चन। देन यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट हेयर, 0.2। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, दैट्स ईयर फॉर 108, 360 एंड 600 इज़, देन यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, 12 इज़ राइट हेयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 48 है आपका ओके। 48 का देखिए, 48 में आपका जो है 15% ऑफ 760 प्लस, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर 3, आंसर 5 ओके इज़ राइट हेयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एम इन एक्सप्रेशन, देन यहाँ पर आपका जो है क्वेश्चन नंबर 49 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, 3n+10 इज़ राइट हेयर। नाउ क्वेश्चन नंबर आपका है 50, देन 50 में आपका जो है व्हाट वॉज द डे ऑफ द वीक, तो ये आपका रीजनिंग सेक्शन से और काफ़ी ईजी रहा होगा आपके लिए, हेयर संडे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 51, आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, राइट। वेल, यहाँ पर आपका जो 51 है इसका आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ओके, ये जो डायग्राम है आपका इज़ राइट हेयर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑफ 51 इज़ राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर हमारा है 52, 52 में आपका है सेलेक्ट द करेक्ट इमेज, तो ये आपका देखिए इसमें जो है आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें आपका 52 का जो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये आप डायग्राम सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ राइट फॉर 52 क्वेश्चन। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 53 है, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड एजम्पशन केयरफुली, तो इसका जो आपका, इसको आप ध्यान से पढ़ लेंगे, इसका जो आपका हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बोथ एजम्पशन एंड एजम्पशन सेकेंड आर इम्प्लिक्ड, ये जो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट फॉर 51 सॉरी फॉर क्वेश्चन नंबर 53 इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 53 का आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है, बोथ एजम्पशन फर्स्ट एंड एजम्पशन सेकेंड आर ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर आफ्टर 53 54, क्वेश्चन नंबर 54 का जो आपका अ ट्री ऑलवेज हैज़ अ विच ऑफ द फॉलोइंग जो, सो आपका क्वेश्चन नंबर 54 का जो ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट हो जाएगा, रूट्स ओके, बिकॉज देखिए एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 55, क्वेश्चन नंबर 55 के लिए जो आपका ऑप्शन होगा यह ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट है ओके, कॉल द कंडक्टर गिव हिम द मनी एंड गेट द टिकट, तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट है फॉर क्वेश्चन नंबर 55। नाउ क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा, सो फॉर क्वेश्चन नंबर 56 गिवन विलो आर टू स्टेटमेंट्स जस्ट एसर्शन एंड रीजन का ही आपका मैंने आपको बताया, तो इसमें जो 56 में आपका ऑप्शन नंबर 4 इज़ राइट है, ए इज़ नॉट करेक्ट बट आर इज़ करेक्ट, सो फॉर क्वेश्चन नंबर 56 ऑप्शन नंबर 4 इज़ राइट। वेल, हमारा क्वेश्चन नंबर है नाउ 57, सो फॉर क्वेश्चन नंबर 57 द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल आर इन रेशियो, फॉर क्वेश्चन नंबर 57 ऑप्शन नंबर फर्स्ट 864 सेंटीमीटर स्क्वायर इज राइट हेयर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट हेयर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 58 ओके,
58 के लिए आपका जो है ऑप्शन नंबर मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड, इसमें आपको मैच करना है किसके साथ कौन सा होगा. सो हेयर फॉर क्वेश्चन नंबर 58 ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट. ऑप्शन नंबर 2 फॉर 58 इज़ राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा, द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज. सो क्वेश्चन नंबर 59 ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट. 162 फॉर क्वेश्चन नंबर 59 इज़ राइट. फॉर क्वेश्चन नंबर 59 ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट. राइट 162. नाउ हमारा है क्वेश्चन नंबर 60. सो क्वेश्चन नंबर 60 के लिए आपका ऑप्शन नंबर 4 75% ऑफ 320 इज़ राइट. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा. क्वेश्चन नंबर 61 आपका क्वेश्चन पर टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल्स ऑफ रूम ई इज इतना. वेल फॉर क्वेश्चन नंबर 61 ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट हेयर, ₹5700. नाउ क्वेश्चन नंबर 62. फॉर क्वेश्चन नंबर 62 द ऑप्शन नंबर फॉर क्वेश्चन नंबर 62 अ मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट अ रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर द विड्थ ऑफ द रिवर इज 1 किलोमीटर. वेल इसका जो है आंसर मैं पिन कर दूंगी कमेंट सेक्शन में. नाउ हेयर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 63. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 63 द ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ राइट. 63 के लिए जो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ राइट. एक्चुअली वो क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया है सॉल्व करते वक्त ही. एनीवेज सो फॉर क्वेश्चन नंबर 63 ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर है हमारा 64. ओके सो क्वेश्चन नंबर फॉर 64 ऑप्शन विल बी फॉर 64 ऑप्शन विल बी फर्स्ट बोथ ए एंड आर. ये आपका फिर से एसर्शन एंड रीजन का है. सो फॉर 64 ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ राइट हियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा. फॉर क्वेश्चन नंबर 65 ऑप्शन नंबर 3 इज़ राइट, ₹9282. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 66. फॉर क्वेश्चन नंबर 66 ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ राइट, 4066 का आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है. नाउ 67 का जो है आपका पहला ऑप्शन सही है. ओके 67 का आपका पहला ऑप्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 68 है अरेंज द एंगल्स इन सीक्वेंस. तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो है आपका वो सेकंड है. सेकंड ओके सेकंड है आपका. नाउ इसमें आपको देखना है कि कौन से जो है एंगल आपके कितने कितने डिग्री के होते हैं, उस अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना था क्वेश्चन नंबर 68 का सेकंड. नाउ आपका है क्वेश्चन नंबर 69. क्वेश्चन नंबर 69 द ऑप्शन इज 3. ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ नॉट इनकरेक्ट. फॉर क्वेश्चन नंबर 69 ऑप्शन नंबर 3 इज़ राइट. वेल द लास्ट क्वेश्चन ऑफ मैथ्स एंड रीजनिंग सेक्शन इज 70. फॉर क्वेश्चन नंबर 70 द ऑप्शन नंबर सेकंड 105 मीटर इज़ राइट. वेल ये आपके मैथ्स एंड रीजनिंग के थे राइट. ओके एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जस्ट नेक्स्ट वीडियो आपको जीके एंड जीएस का प्रोवाइड कर रही हूँ. देखिए जो मैंने आपको आंसर प्रोवाइड किए हैं 100% आपके सही हैं, एक्यूरेट हैं. ओके बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है कि आपका ये गलत लग रहा है या फिर कन्फ्यूज़न नहीं. ओके वेल एंड येस आपको डरना नहीं है कि आपका पेपर हार्ड हुआ है, टफ है था एंड ऑल कि हमारा एडमिशन नहीं होगा. देखिए अगर पेपर हार्ड था तो पेपर सभी के लिए हार्ड था. ओके सभी को हार्ड लगा है. कट ऑफ आपकी लो हाई होती रहती है तो होगी इस बार भी. और कट ऑफ की वीडियो भी जा चुकी है, आप उसको वॉच कीजिए. एंड टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है. इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस भी आपका होने वाला है, उसमें भी आपको फोकस करना है. इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस प्रिपरेशन है वो हमारे यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है. इवन आपको जो है अभी कल या फिर परसों, आई मीन जस्ट द नेक्स्ट टुमारो से स्टार्ट कर दिया जाएगा. ओके बाय बाय. थैंक यू.